नमस्कार दोस्तों, तो ये जो आप बीडिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं यू बीडिंग। तो पीवीसी वॉल पैनलिंग जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम बीडिंग लगाते हैं चारों कोनों में। तो ये आप देख सकते हैं बीडिंग को कैसे पहले छोटा किया जा रहा है दीवार की साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड देन उसको कील की मदद से चारों कोनों में लगाया जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन्स जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये राय रहती है कि भैया सीपेज वाली वॉल पे आप वॉल पैनलिंग कर रहे हो तो सीपेज भर जाएगी या फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार ऑप्शन है। तो पहले आप समझिए कि पीवीसी वॉल पैनलिंग क्यों कराई जाती है, स्पेशली ऑन सीपेज वॉल्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वॉल है उसमें पूरी में सीपेज हो रखी है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑल्सो बाहर वाली जो वॉल है उस पर भी सीपेज हो रखी थी। तो इस वाली वॉल, जो ये वाली वॉल है, ये 10x10 की है एग्जैक्ट, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12-13 पैनल लगते हैं। तो ये वाला जो पैनल है इसको कहते हैं पीवीसी पैनल। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसको पीवीसी वॉल पैनलिंग कहते हैं। इसका जो साइज़ होता है एक पैनल का वो 10 feet by 10 inches रहता है। तो ये इंस्टॉलेशन जो आप देख रहे हैं विद इन 2 to 3 hours हम पूरे रूम में कर देंगे। तो 10x10 की वॉल में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 hours लगते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। और तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वॉल का डायमेंशन ले लेते हैं। डायमेंशन लेने के बाद उसके बाद जितने पैनल लगते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो चार्जेस हमारे, वो डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी, आप कैसी क्वालिटी ले रहे हैं। हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ दिल्ली में रहता है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट सीपेज हो रखी है लेफ्ट हैंड साइड पर, इस वजह से यहाँ पे वॉल पैनलिंग कराई जा रही है। भैया ने सारी चीज़ें करके देख ली, भैया ने वाटर प्रूफिंग करा ली, बाहर से रिपेयर करा लिया, एक महीने पहले पेंट भी कराया जिसके अंदर POP भी लगाई थी, अच्छे से पेंट कराया, बट एक बार ये आपको पता है सीपेज आ जाती है तो वो जाने का नाम नहीं लेती। इस वजह से यहाँ पे अब पैनलिंग ही लास्ट ऑप्शन रह गया था। ऑल्सो पीवीसी पैनल जो सीपेज है उसको क्योर नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीवीसी वॉल पैनलिंग से आप सिर्फ अपनी सीलन को छुपा देते हो। कुछ लोग कहते हैं भैया पीछे से दीवार ख़राब हो रही है, खोखली हो रही है, तो वो तो वैसे भी हो ही रही है, आप उसको हर साल रिपेयर करा रहे हो। इट्स बेटर कि एक बार आप उसको छुपा दो, फिर जब भी आपको रिपेयर लगे पीवीसी वॉल पैनल ईजिली निकल भी जाते हैं तो आप उसको निकाल के आप फिर दोबारा रिपेयर करा सकते हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी क्या राय है, बट मैं एक बारी फिर बताना चाहूँगा कि पीवीसी वॉल पैनलिंग एक छुपाने का ज़रिया है सीलन को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। जो हमारी सर्विस है वो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में स्पेसिफिकली। तो अगर आपको काम कराना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।